Good morning, students. Welcome to BLS International School Maths Live Classes. Today, we are going to start our new exercise, that is exercise 4.1, which is based on multiplication with fractions. हमने फ्रैक्शन के साथ में एडिशन किया है, हमने फ्रैक्शन के साथ में सब्ट्रैक्शन किया है, अभी हम बेटा फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे. थ्री थिंग्स वी नीड टू लर्न बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज. नंबर वन थिंग, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर ओनली. न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से ही होना चाहिए. डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर ओनली, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होना चाहिए. अब हमारा एक आंसर निकल कर आएगा. इफ दैट आंसर इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ दैट आंसर इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इट मस्ट बी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. एंड इफ इट इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इन टू सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन वी विल कन्वर्ट इट इन टू मिक्सड फ्रैक्शन एज वेल. सो हमें ध्यान रखना है कि न्यूमिरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर से होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगा, और जो आंसर निकल कर आएगा अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सिंपलेस्ट के साथ साथ वो मिक्सड में भी होना चाहिए. आंसर कभी भी हमारा इम्प्रॉपर में या फिर जो सिंपलेस्ट नहीं होता है ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन. इट इज मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स. हमें होल नंबर्स के साथ इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल 4/5 × 20. नो नीड टू कंसीडर दिस 20 एज होल नंबर, कंसीडर इट एज फ्रैक्शन लाइक 20/1. हम 20 के नीचे जब 1 लगा लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा 20 है 20/1 इट इज अ फ्रैक्शन. इट इज अ फ्रैक्शन. सो नाउ वी आर हैविंग टू फ्रैक्शंस 4/5 and 20/1. We will multiply both. 4 20s are 80, 5 1s are 5. Simple, we are doing multiplication by numerator to numerator and denominator to denominator. 4 into 20, 80, 5 into 1, 1. 80 by 5. अब हम 80 by 5 को देखेंगे कैसा है ये. ये तो बेटा हमारा improper fraction है. तो हम इसे simplest में करेंगे. या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं 80 is a multiple of 5. तो हमारा divide भी चला जाएगा. तो हमने simple divide किया, the answer is 16. अगर डिवाइड करके रिमाइंडर बचता तो बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाता. लेट्स हैव एन एग्जांपल. वी आर हैविंग अ पार्ट दैट इज एच पार्ट. एच पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट 22 × 1/4. सो कंसीडर 22 एज फ्रैक्शन लाइक 22/1 × 1/4. सो 22 ones are 22 एंड 4 ones are 4. 22 एंड 4 बेटा दोनों ही नंबर हमारे किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं. तो 11 2s are 22, 2 2s are 4. हमने 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया. नाउ 11/2. 11/2 इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 11/2. सो आंसर इज 5 whole 1/2. जब हमने कन्वर्ट किया तो आंसर आया हमारा 5 whole 1/2. Now we are going to start question number 2. Our question number 2 is find the product. So we need to find the product of these two fractions. How we will do? Hame steps yaad rakhne honge. Numerator will be multiplied with numerator. 5 ones are 5. And denominator will be multiplied with denominator. 5 6 are 30. This will be the product. But the third step is, if it is proper fraction, it must be simplest. And it is a proper fraction, so we need to make it simplest. 5 ones are 5, 5 6 are 30. We'll divide this number by 5 only. Kyunki dono hi number 5 ke table mein aate hain. Now start this question. 8 3s are 24, 9 4s are 36. 24/36, it is a proper fraction, but we need to convert it into as simplest. So, 24 and 36 किसके टेबल में आता है? 2 में आता है, थोड़ा बड़ा 3 में आता है, थोड़ा और बड़ा 4 में भी आता है, 5 में नहीं आता, थोड़ा और बड़ा जाए तो 6 में भी आता है. 6 से बड़े किसी भी टेबल में 24 और 36 दोनों नहीं आते. तो 6 4s are 24 and 6 6s are 36. No, 4 and 6, it is a proper fraction, but it is अगेन कम्स इन द टेबल ऑफ 2. मतलब 24 और 36 12 के टेबल में भी आता था, तो हम डायरेक्ट भी 12 से कर सकते थे, अदरवाइज हम इसको अभी कर सकते हैं 2 से कट कर दें. 2 2s are 4 and 2 3s are 6.
I hope you all have understood this question. Now we are coming to part C. Part C is 5 by 6 into 1 by 10. 5 ones are 5. 6 tens are 16. It comes 1 by 12. It comes in the table of 5. It is part G. And it is part H. 1 twos are 2. 9 fours are 36. It is 1 by 18. Because 2 and 36 both are divisible by 2. Or we can say 2 and 36 both comes in the table of 2. Divisible hona, table mein aana, ye sari cheeze aapko yaad rakhni padengi, jo humne chapter 3 mein learn ki thi. Kyunki ek ka ek, har cheez, dusre cheez se link hoti hai. यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो कॉन्सेप्ट पहले करने हैं उसे बाद में याद ना रखें. आपको याद रखना पड़ेगा कौन से डिविजिबिलिटी रूल्स थे हमारे, कैसे हम पता करेंगे कि दोनों एक ही टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं. दिस दीज ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर नंबर 3. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स स्टार्ट.